नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों वोडाफोन आइडिया शेयर की। इस शेयर ने कई लोगों को विचलित कर रखा है। सब सोच रहे हैं क्या उनका पैसा डूबेगा या उनका पैसा वापस रिकवर होगा। तो हाल ही में एक नई खबर आई है, जिससे इस शेयर ने काफ़ी मजबूती पकड़ ली है और सोमवार को भी मजबूती आने के पूरे संकेत हैं। तो दोस्तों, वो खबर है कि वोडाफोन आइडिया ने जिसके AGR ड्यूज़ थे, जिसकी वजह से इसकी गिरावट शुरू हुई थी, उसमें एडिशनल 1,000 करोड़ रुपए पे कर दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी कंपनी का डेब्ट और ड्यूज़ क्लियर हो रहे हैं। तो कंपनी ने कहा है कि अब तक 7,854 करोड़ ये पे कर चुका है AGR ड्यूज़ की तरफ। तो अगर इसका हम पॉजिटिव साइड देखें तो 21,000 करोड़ तक आया था इनका AGR ड्यूज़, जो पहले 58,000 करोड़ एस्टिमेट किया गया था ट्राई की तरफ से और DOT की तरफ से, लेकिन 21,000 करोड़ में से 7,800 करोड़ यानी तकरीबन एक तिहाई पे कर चुके हैं। तो इसकी वजह से शेयर सोमवार को ऊपर जा सकता है। अब दोस्तों, वोडाफोन के लिए अच्छी बात भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लोग अभी भी सोच रहे हैं क्या ये कंपनी रिकवर कर पाएगी, क्योंकि इसका जो एक कॉम्पिटिटर है, जिसको इस देश में अब बहुत नाम हो चुका है, जिसका नाम है जियो, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके कस्टमर बेस स्पीड से बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो रिलायंस ने अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट की है कि वो रिलायंस जियो इंडिया को 2G फ्री इंडिया बनाना चाहता है। और ये दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बुरी खबर है। वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं, बल्कि भारतीय एयरटेल के लिए भी है, लेकिन क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास कम से कम 17 करोड़ 2G यूजर्स हैं, जो इसके टोटल सब्सक्राइबर बेस यानी टोटल कस्टमर बेस के 60% हैं। तो आप समझ रहे हो दोस्तों, अगर ये मार्केट हिट हुई तो 60% कस्टमर बेस इसका हिल जाएगा या इधर उधर हो जाएगा। तो वैसे ये शेयर बुरी हालत में चल रहा है, तो रिकवर होने का इसके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो मुकेश अंबानी का प्लान था कि इंडिया को 2G मुक्त बनाना है, और उसके लिए उन्होंने हाल ही में पहले 4G एनेबल्ड फीचर फ़ोन लाया था बहुत ही सस्ते रेट पे। तो उससे जियो अब 350 मिलियन यानी 35 करोड़ 2G यूज़र्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो उसके लिए एक स्मार्टफोन निकालने वाला है जो नॉर्मल स्मार्टफोन से काफ़ी सस्ता होगा। और उस चक्कर में ये 2G फ़ोन वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स को बहुत हिट कर सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पेस में जियो ने तकरीबन 60% मार्केट शेयर बना लिया है। तो ऑलरेडी इतना बड़ा पोजीशन जियो का मार्केट में, तो इसी कारण भारतीय एयरटेल और वोडाफोन को काफ़ी नुकसान हुआ है। आप यहाँ देखें तो भारतीय एयरटेल के 47% यूज़र्स यानी 13.5 करोड़ यूज़र्स 2G हैं। तो अगर ये दोनों हिट होता है तो दोस्तों आप जानते हैं कंपनी की हालत बहुत बुरी हो सकती है। अब अगर हम दोस्तों देखें और क्या बोला गया जियो उसमें, तो जियो ने हाल ही में गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। तो यानी गूगल आप जानते हैं टेक्नोलॉजी का जाइंट है, उसके पास एक से एक टेक्नोलॉजी है जो आज से आगे के 10 साल के प्रोडक्ट्स भी देखती है। तो अगर जियो उनके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, यानी वो टेक्नोलॉजी में कुछ रेवोल्यूशन लाना चाहता है, और 5G उन्होंने अनाउंस किया, अब 2G से हम 5G पर आ चुके हैं और वोडाफोन का कस्टमर बेस 2G पर ही है, और 2G और 5G में जो लोग अगर परिवर्तन करें तो उसमें मेन फैक्टर होगा पैसा। अगर जियो सस्ते में 4G अगर निकाल देता है अपने फ़ोन, 4G फ़ोन या 4G नेटवर्क, तो दोस्तों वोडाफोन के लिए बहुत बुरी बात है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो खबर आई है उस हिसाब से तो वोडाफोन के लिए काफ़ी अच्छा सोमवार हो सकता है, अगले कुछ दिन अच्छे हो सकते हैं। आप जानते हैं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आना है, वो ऑर्डर अगर इनके हित में आया तो उससे इसके शेयर काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। पिछले फ्राइडे तो 11% या 14% ऊपर गए थे, और मंडे को भी ये सीन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके पक्ष में आने के लिए भी, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, वोडाफोन आइडिया ने कुछ अपने चेंजेस नहीं किया, अपने कस्टमर बेस नहीं बढ़ाया, तो इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा हिट हो सकती है, क्योंकि इसके लिए पूरी कैलकुलेशन की गई है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया को अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30,000 करोड़ रखना है 2021-22 वाले ईयर में, अपने AGR ड्यूज़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। और दोस्तों अगर हम आगे देखें तो अभी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है इसका 13,200 करोड़, यानी जो चाहिए उसके आधे से भी कम। और अभी प्रेजेंट में एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी हर कस्टमर से रेवेन्यू कितना आता है वो कैलकुलेट होता है दोस्तों, टोटल रेवेन्यू बाय कस्टमर बेस ये डिवाइड करके आ जाता है। तो अभी वो आ रहा है 121 रुपये, लेकिन अगर इसको अपने AGR ड्यूज़ और सारी प्रॉफिट में चलना है, सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है, तो उसके लिए अब इसको अपना रेवेन्यू पर कस्टमर 53% बढ़ाना पड़ेगा। यानी अभी 121 रुपये कमा रही है पर कस्टमर से, फिर इसको 190 रुपये कमाने पड़ेंगे हर एक कस्टमर से।
तो यहाँ दोस्तों वोडाफोन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अगले 1-2 साल के लिए। और अब हम देखना है कि इस मंडे को क्या रिजल्ट आता है। अगर हम इसका चार्ट देखें हाल का दोस्तों, तो ये पिछले फ्राइडे 14% ऊपर बंद हुआ था, 1.10 रुपये ऊपर बंद हुआ था। काफ़ी तेज़ उछाल अच्छी खबरों की वजह से ही। लेकिन अब दोस्तों हम इसका मेन चीज़ देखें फाइनेंशियल्स। मार्च 2020 में कंपनी की नेट इनकम नेगेटिव रही है, यानी नेगेटिव 11,600 करोड़। अभी हम बात कर रहे हैं कंपनी को 2021-22 तक 30,000 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। हम उसके पिछले वाले क्वार्टर देखें, देखिए 6,400 करोड़ नेगेटिव में, उसके पहले वाले में 50,922 करोड़ नेगेटिव में, जब इसका एजीआर ड्यूज ऐड अप हुए थे। तो यानी कंपनी को अभी बहुत लंबा रास्ता जाना है। तो मैं निवेशकों को कहूँगा कि आप अभी इसमें बने, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप बने रह सकते हैं कि आप तो अच्छी खबर आने से थोड़ा ऊपर चला जाए, 10 रुपये 12 रुपये भी जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप पूरी रिसर्च करें, आप कस्टमर की साइकोलॉजी देखें, देश में क्या क्या नया आ रहा है, कैसे कस्टमर का सोच बदल रही है और क्या कंपनी वो सर्वाइव कर पाएगी। अभी जून 2020 के रिजल्ट्स आने हैं दोस्तों, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके बाद अगर जियो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है दोस्तों, तो अगर जियो ने कुछ नई स्कीम ला दी और जो चल गई, तो जियो का जो आइडिया है 35 करोड़ कस्टमर्स को और अट्रैक्ट करने का, वो दोस्तों वोडाफोन और भारती एयरटेल दोनों को बहुत बुरा हिट करेगा। इसलिए अब आगे देखने लायक 1-2 साल आने वाले हैं। 1-2 साल भी क्या, मैं कहूँगा अगले 2-3 महीने में कुछ ना कुछ खबर सामने आ जाएगी। तो अभी आप बने रहिए, सोमवार को अच्छे संकेत हैं, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट अच्छा है तो और भी अच्छी बात है। और बाकी न्यूज़ और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।